साथियों, मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था, मेरा कभी मुलाकात नहीं हुई नायक हरवाल जी से, और ये काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर आपकी मांग है क्या? वो सारी जो मांगे, हालांकि मुझे पता है हमारी विसंगतियाँ, लेकिन मैं आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ कि आप इतना संघर्ष कर रहे हैं और लंबे समय से कर रहे हैं, कि आपकी आखिर मांगे हैं क्या? देखिए, मांगे तो हमारी पिछले काफ़ी समय से, तो अभी 100 दिन हो गए, जहाँ पे भी सभी भाइयों को मालूम है, लेकिन इनको दूर करने के लिए हमारी जो मांग है वो मेन मांग है कि केंद्र सरकार को हम ये नहीं बोल रहे कि आप आज ही हमें ये चीज़ दे दो, हमें वो चीज़ दे दो, ये नहीं बोल रहे। हमारी डिमांड है कि आप रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की एक कमेटी बैठा दो और उसका समय 3 महीने का समय दे दो। उसके अंदर जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारे खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, या अफसोस लॉबी है जो हमें बोल रही है कि ये देश विरोधी हैं, ये वो, हमने कब कहा कि जो 3 जजों की कमेटी बैठेगी, आप चाहे वो अफसोस लॉबी हो, चाहे हमारे जो विरोधी भाई हैं, जवान भाई भी हो सकते हैं उसमें, वो भी जो है उस कमेटी के पास जाएं, वो उन कमेटी के पास 3 महीने का समय है, उसके पास जाएं, अफसोस भी जाएं अपनी डिमांड लेकर। वो ये भी बोल सकते हैं कि भाई पहले जो है हमें OROP का 90% पैसा मिला है, तो जो 10% था वो भी हमें मिलना चाहिए था, वो जवानों को नहीं मिलना चाहिए था, तो वो भी अपनी वो डिमांड जो रखना चाहते हैं वो वहाँ पे रखें। वो एक संवैधानिक मांग है, कोई ऐसी गलत मांग नहीं है कि जिस पे केंद्र सरकार बोले कि हम इसको पूरा नहीं कर सकती। बहुत सी कमेटियाँ बनती हैं, पहले भी कमेटियाँ बनी हैं, लेकिन पहले जितनी भी कमेटियाँ बनी हैं वो हमारे ही अफसर की जो कमेटियाँ बैठा दी जाती हैं, जो हमेशा अपने अफसर का फेवर लेके अफसर को जो है सभी लाभ दे देते हैं और जवान फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं। इस बार हमारी डिमांड है, हमें अफसर लॉबी की कमेटी नहीं चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड 3 जजों की कमेटी दे दो, 3 महीने का उसका समय दे दो, और वो हमसे भी मिले, अफसर लॉबी से भी मिले, और जो भाई हमारे साथ सहमत नहीं है वो भी अपने डॉक्यूमेंट लेके उनके सामने पेश हों और वो डिमांड रखें। हो सकता है उनके पास हमारे से भी कोई अच्छी डॉक्यूमेंट हो, वो हमसे भी अच्छा जो है वो वहाँ पे बात कर सकते हो, तो वो बात करें, हमें किसी से विरोधाभास नहीं है। तो हमारी इतनी अच्छी यहाँ पर ये चीज़ निकल के आई कि आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो विसंगतियाँ हैं, इनकी जो जांच हो वो न्यूट्रल हो, उसमें हमारे जो डिफेंस के अधिकारी हैं उनका कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, वो माननीय न्यायालय के जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की आपका एक पैनल बने और वो न्यूट्रल तरीके से इसकी जांच करें, और दोनों पक्ष अपने अपने दस्तावेज वहाँ दिखाएं, जो दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, वो निकल के सामने आ जाएगा। और इससे अलग कुछ है जो आप चाहते हैं, जो आपकी डिमांड है? नहीं, हमारी डिमांड यही है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जो पूर्व सैनिकों की जो डिमांड में है। डिमांड तो सब आपको पता है, लेकिन उनका सॉल्यूशन किस तरीके से बेहतर वे में निकलना चाहिए, वो आज एक चीज़ सामने निकल कर आई कि इसमें जो पैनल बने वो जजों का पैनल बने, न्यूट्रल पैनल बने, और वो जो फाइंडिंग निकालता है दोनों पक्षों से सुनवाई के बाद में, वो सबको स्वीकार्य। फिर मिलेंगे आपके साथ किसी अन्य जानकारी के साथ। ये थी आज तक की खबर। सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।